opportunity theory, Clovert and Ohlin, a theory that attempts to join the concept of anomy and differential association by analyzing both legitimate and illegitimate opportunity structures available to individuals. It posits that illegitimate opportunities, like legitimate opportunities, are unequally distributed. डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी क्लोवर्ड एंड ओहलिन ने दी थी. उन्होंने दो थ्योरीज को मिलाया, एक एनोमी इमायर दुर्हेम की थ्योरी एंड डिफरेंशियल एसोसिएशन स्विट्जरलैंड की थ्योरी, जिसमें लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी के जो स्ट्रक्चर होते हैं इंसान को, इंडिविजुअल को अवेलेबल, उनके कॉन्सेप्ट को मिक्स करके उसने एनालाइज किया. और उसने उस एनालाइज करने के बाद ये बताया कि इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी, जो गलत तरीके से अपॉर्चुनिटी मौके मिलते हैं, उसके अंदर भी वो भी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते सबके अंदर, वो भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. इसको और वाज़े अंदाज में अगर कहा जाए तो समझा जाए तो वो डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी में उसने ये कहा है कि जो ये सब क्रिमिनल सब कल्चर होता है उसके अंदर सारे क्रिमिनल्स होते हैं. बड़े क्रिमिनल्स जो होते हैं वो छोटों को ट्रेंड करते हैं, लेकिन फिर भी इस स्मेली माहौल के अंदर भी, इस क्रिमिनल माहौल के अंदर भी अपॉर्चुनिटी जो होती है इलेजिटिमेट गलत काम करने की, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. सारे ही क्रिमिनल नहीं बनते, कुछ लोग, कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी बनते. जैसे सारे ही अच्छे काम नहीं करते, कुछ लोग बुरे काम भी करते. भले कितने भी अच्छे माहौल में, कितने भी अच्छे कल्चर में रखा जाए, कितने भी अच्छी लोगों में रखा जाए, कुछ बुरे काम करने वाले भी उनमें पैदा होते. इसी तरह बुरे कल्चर में, बैड सब कल्चर में, जो इलेजिटिमेट गलत काम करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो भी सारे नहीं अपनाते, कुछ अपनाते हैं कुछ नहीं अपनाते. तो जैसे ही सही काम करने की अपॉर्चुनिटीज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, वैसे ही गलत काम करने की अपॉर्चुनिटीज गलत माहौल में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. तो डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी के अंदर क्लोवर्ट एंड ओहलिन ये कॉन्सेप्ट देता है कि एनोमी एंड डिफरेंशियल एसोसिएशन. एनोमी क्या थी? एनोमी थी नॉर्मलेसनेस, एक ऐसे माशरे में जिसमें नॉर्म्स वैल्यूज बनी हुई हैं, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ये वीक हो जाएं, नॉर्म्स वैल्यूज कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन वीक हो जाएं, और जो उन वीकनेस में जो काम हो वो एनोमी कहलाता है. और डिफरेंशियल एसोसिएशन क्या है? डिफरेंशियल एसोसिएशन में इंसान गलत डेलिक्वेंट बिहेवियर लर्न करता है, सीखता है. इन दोनों चीजों को एनालाइज किया है, लेजिटिमेट गलत काम भी और सही काम की भी अपॉर्चुनिटी जो स्ट्रक्चर इंसान को अवेलेबल होते हैं. उसके बाद क्लोवर्ड एंड ओहलिन कहते हैं जिस तरह लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, उसी तरह इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो ये होगी कि बहुत गंदे माशरे में, बहुत गंदे इलाके में जहाँ क्रिमिनल गैंग्स रहते हैं और गैंगस्टर्स को ट्रेन करने के लिए उनसे एल्डर्स, जो उनसे बड़े किंग हैं, वो मौजूद होते हैं, वहाँ भी फूल खिल जाता है, ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो कि गलत काम को हाथ ही नहीं लगाते, गलत काम करते ही नहीं.
जबकि उनके पास आइडियल कंडीशंस होती हैं गलत काम करने की, उसकी लर्निंग की। ये है डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी, क्लॉबर्ट एंड